अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम अपना चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जो कि है इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द आर्यंस। इसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, वादिया सिंध की तहजीब के बारे में और आर्ट के बारे में कि आर्यंस कौन लोग थे। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इसमें आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं न्यू टर्म्स। न्यू टर्म्स में फर्स्ट वाली न्यू टर्म है फ्लोरिशिंग। फ्लोरिशिंग का मतलब होता है तरक्की करना, फलना फूलना। तो इसकी न्यू टर्म में ये आएगा डेवलपिंग स्ट्रॉन्गली। फ्लोरिशिंग का मतलब होता है डेवलपिंग स्ट्रॉन्गली, कि मजबूती के साथ अच्छी तरह से तरक्की करना। एविडेंस सबूत एनीथिंग दैट गिव्स पीपल रीजन टू बिलीव समथिंग, कि कैसी चीज़ जिसकी वजह से लोग किसी एक चीज़ पे इतबार करते हैं। लाइक अगर किसी ने कोई ख़ुद को प्रूव करना होता है तो उसे किसी चीज़ की ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस के, मजबूत तरह के सबूत की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से उस लोग उसके बात पे यकीन कर सके। तो इसी तरह से जैसे अगर हम लॉयर्स को देखें, वकील को, तो उनके पास भी अपने किसी मुजरिम को बेगुनाह साबित करने के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस होते हैं, सबूत होते हैं। इन सबूत के बिना पे ही वो जो जज होता है उसे वो कायल कर लेते हैं कि उनका जो मुजरिम है वो बेकसूर है। तो एविडेंस का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना है, पुख्ता यकीन होना, जिसकी वजह से लोग आप पे यकीन करें और आपको सच समझें। रेवेन्यू मतलब होता है मुनाफा। अ कंट्रीज इनकम फ्रॉम टैक्सेस, के कंट्री की इनकम जो कि वो लो हुकूमत जो है वो टैक्सेस के थ्रू गेन करती है, उसे हम कहते हैं वो है रेवेन्यू। नेक्स्ट है डेसिफर्ड कोडेड और अनयूजुअल लैंग्वेज। तो जो वादी सिंध के लोग थे उनकी जो लैंग्वेज थी वो डेसिफर्ड है। डेसिफर्ड का मतलब है कि वो कोडेड फॉर्म में है, उनको समझना, उनकी लैंग्वेज को समझना बहुत मुश्किल है, अभी उसको डिकोड नहीं किया गया। कोड का मतलब होता है छुपा कर या फिर छुपे हुए अल्फाज में बात करना, जैसे कोड वर्ड्स होते हैं उस तरह से। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वादी सिंध की तहजीब है, वहाँ के लोगों की जो लैंग्वेज है वो अभी तक डेसिफर्ड है, कि वो कोडेड फॉर्म है, उसको डिकोड नहीं किया गया। तो कोडेड और अनयूजुअल लैंग्वेज होगी उसे हम बोलते हैं डेसिफर्ड। रिवाइव्ड जिंदा होना, ब्रॉड बैक टू लाइफ इनके ज़िंदगी की तरफ दोबारा आना, बहाल होना। रिवाइव का मतलब होता है बहाल होना, इनके पस्ती से दोबारा बुलंदी की तरफ आना, इनके बहाल करना। नेक्स्ट है चिड़ियोट। तो ये एक तरह का जानवर है, एंड अ हॉर्स ड्रॉन व्हीकल विद टू व्हील्स। एक घोड़े की तरह का एक जानवर है जो कि दो पहियों पे, जिसको दो पहियों की जो सवारी उसे खींचने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो चिड़ियोट्स को इस्तेमाल करते थे ट्रैवल करने के लिए, कि जैसे दूसरी जगह करने के लिए वो ये हॉर्स ड्रॉन व्हीकल था, ये इसे यूज़ किया जाता था। और ये एक एनिमल था हॉर्स की तरह का दिखने वाला, और इसके पीछे एक जैसे हम गधा गाड़ी के पीछे गाड़ी बांधते हैं, इस तरह से इन चिड़ियोट्स के पीछे भी टू व्हील्स की जो गाड़ी है उसे भी खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ आगे इसको बांध के तो पीछे टू व्हील्स को बांधा जाता था, जिस पे लोग एक जगह से दूसरी जगह पे सवारी करते थे। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक।